बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतसाब का नाम नियाद अमल जो है ये पिछले 4 साल से आपके सामने है। आज बात इस एहतसाब के अमल से बहुत आगे चली गई है, क्योंकि आज मुल्क में आईन को चोरी करने की कोशिश है। आपके सामने इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, वफाकी वज़रा, ये सब साजिश करके आज मुल्क के आईन को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। आज पाकिस्तान के अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं और लोग ये देखना चाहते हैं। आज इस मुल्क की ज़रूरत है, इसकी अवाम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आईन का दिफा करेगा या जिस तरह माजी में ऐसे फैसले हुए जिनको ना लोगों ने कबूल किया, ना तारीख ने कबूल किया, ना कानून ने कबूल किया, और उन फैसलों की वजह से मुल्क का जो नुकसान हुआ उसको उसका तायुन भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज मुल्क की सियासी और कानूनी और आईनी तारीख का फैसला है। ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन केस है। इससे पहले आईन तोड़ने वाले आमर हुआ करते थे, जो ताकत के बल बोते पर आईन को तोड़ते थे और मुल्क में ताकत पर विराजमान हो जाते थे। लेकिन आज मुल्क की आईन को तोड़ने वाले नाम निहाद इलेक्टेड लोग हैं, जिनका दावा है कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम से वोट लेकर आए हैं। एक जमहूरी अमल जारी था। जमहूरी अमल क्यों तोड़ा गया, ये बात बड़ी वाजे है। आज इमरान खान की करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। ये सिर्फ इस करप्शन को छुपाने के लिए, इससे बचने के लिए इसने फैसला किया कि आईन भी तोड़ा जाए। और आज ज़रूरत इस बात की है कि आईन तोड़ने वालों को वो सज़ा दी जाए कि जिसके बाद कोई भी शख्स ये सोच भी ना सके कि आईन कागज़ का टुकड़ा है, जब मर्ज़ी फाड़ दूँ, जब मर्ज़ी अमल करूँ, जब मर्ज़ी अमल ना करूँ। मुल्क इस तरह नहीं चला करते। ये बदनसीबी है कि आज ऐसे लोग मुल्क पर हुक्मरान हैं। आज हमारी तारीख का एक संग मील है, एक ऐसा दिन है जिस दिन अदालत का फैसला यह मुल्क को आगे ले जाएगा या पीछे ले जाएगा। जनाब भाई साहब, ये बताएं कि अमल का तो सुना था आईन तोड़ रहा है, लेकिन क्या लगता है कि इमरान खान के पीछे के अंपायर तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये आईन टूटा गया हो? आईन तो इमरान खान ने तोड़ा है और ये मामूली बात नहीं है। मुल्क का सदर मुलव्वस है, मुल्क का वज़ीर आज़म मुलव्वस है, सब ने मिलकर साजिश बनाई। इसकी शवाहिद मौजूद है, रिकॉर्ड है कि कब ये लोग मिले, क्या इन्होंने किया, उसका असर क्या है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। और सवाल देखिए, इलेक्शन एक सानवी हैसियत रखते हैं। इलेक्शन आज ना हुए तो कल हो जाएंगे। बात असल में ये है कि ये इख्तियार किसने इन हुक्मरानों को दिया कि वो अपने ताकत के ज़ोम में आईन को रौंद दें।
आइन बड़ा वाजे है, अदम एतमाद चल रहा है, अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, ये आइन कहता है। और आइन तोड़ने वाले पर आर्टिकल 6 है। आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। और पंजाब में भाई साहब आज वहाँ पे क्या होगा, क्या सीधे हमारों की सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी या परवेज इलाही वज़ीर-ए-आला बन जाएंगे, क्योंकि अजीम खान ने भी कल करप्शन की दास्तान शुरू कर दी है, तो क्या सीधे जंगीर तरीन भी अब इस तरह ही करप्शन की बातें करेंगे? ये करप्शन जो भी सिर्फ एक बात अजीम खान ने की है और वो इस मुल्क के आला तरीन उदों तक जा पहुँची है। पंजाब की जो करप्शन है उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं है। जिस भोंडे तरीके से, जिस बदमाशी के साथ पंजाब में करप्शन हुई है, उसका कोई माजी में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज पंजाब में भी कोशिश होगी कि वोटिंग ना हो, ये बदनसीबी है कि आज हुक्मरान वो हैं जो अपनी शिकस्त से बचने के लिए आइन भी तोड़ने पर आमादा है। इन लोगों को पाकिस्तान की आवाम कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन कबूली करने या ना करने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आज आर्टिकल 6 लगे, ये लोग जवाबदेह हों और कल कोई ये बंदा सोच ना सके कि मैं आइन तोड़ूं। थैंक यू।